दोस्तों, यूं तो टीवी जगत में कई नए नए शो देखने को मिलते हैं, पर साल 2008 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ सीरियल एक वीर की अरदास वीरा टीवी की अब तक की सबसे फेवरेट टीवी शोज में से एक रहा है, जिसकी कहानी एक भाई बहन के बीच के बॉन्ड की होती है। जहाँ एक माँ अपने साथ हुए अन्याय के चलते अपनी बेटी से दूरी बना लेती है, तो वहीं उसका भाई उसे भाई का प्यार देने के साथ साथ माँ के प्यार से भी संवार देता है। लेकिन दोस्तों, इस शो को प्रसारित हुए आज 12 साल हो गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में इस शो के कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और किस हाल में हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस शो में काम कर चुके कुछ कलाकारों की आज की जिंदगी के बारे में बताएंगे कि वो आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा कलाकार आज कैसी जिंदगी जी रहा है। नंबर वन, स्नेहा वाघ। जी हाँ, इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है अभिनेत्री स्नेहा वाघ का, जिन्हें इस शो में रतनजीत कौर यानी कि रणवीर और वीरा की मां के किरदार में देखा गया, जो कि अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अदाकारा के आज की, तो बता दें आज 33 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं और इसी के चलते इनमें काफी बदलाव आ गए हैं। बात करें उन्हीं बदलावों की, तो जहां ये शो में सूट सलवार और पंजाबी लुक में दिखी थी, तो वहीं इनका ये अवतार आज पूरी तरह से बदल गया है। जहां ये काफी ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं, जिन्हें देख इन्हें कोई पहचान नहीं पाता। बता दें उन्होंने साल 2015 में अनुराग सोलंकी से शादी की थी, आज उनके साथ मुंबई में रहते हुए खुशहाल जीवन जी रही हैं। नंबर टू, विशाल वशिष्ठ। शो में वीरा के प्रेमी यानी बलवान का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता का नाम है विशाल वशिष्ठ, जिन्होंने अपने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि आज भी दर्शक इन्हें भूल नहीं पाए हैं। वहीं अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के आज की, तो बता दें ये आज अपने जीवन में सफल 29 साल पूरे कर चुके हैं, पर इन बीते सालों में इन्होंने आज भी अपनी पर्सनैलिटी को पहले की तरह बरकरार रखा है। और जिस तरह इन्हें शो में काफी ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम अवतार में देखा गया था, तो वहीं आज भी इनका वही लुक पहले की तरह कायम है। बता दें आज भी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हुए अपने एक्टिंग करियर को बनाए हुए हैं, जिसके चलते इन्हें आज कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहे शो इश्क में मरजामा 2 में मुख्य भूमिका निभाते देखा जा रहा है। इसी के चलते आज ये पहले की तरह काफी ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 3, फरनाज शेट्टी। इस लिस्ट में एक नाम फरनाज शेट्टी का भी है, जिन्हें इस सीरियल में बलदेव की बहन और रणविजय की पत्नी के रूप में देखा जा रहा है, जिसे इन्होंने काफी ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश किया। यही वजह है कि इस किरदार से फरनाज शेट्टी दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुई हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के आज की, तो बता दें ये अपने 29 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, जिसके चलते शो में काफी सिंपल अवतार में नजर आने वाली फरनाज शेट्टी आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हैं, जिनकी तस्वीरें दर्शकों को इनका दीवाना बना देती हैं। बात करें इनके करियर की, तो वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है, जहां इन्हें टीवी शोज के साथ साथ फिल्मों में भी देखा जाता है, जो जल्द ही फिल्म बटालियन 609 में नजर आने वाली है। नंबर 4, शिविन नारंग। शो में रणविजय का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता शिविन नारंग ही हैं, जिन्हें शो में एक ऐसे भाई का किरदार निभाते हुए देखा गया, जो अपनी बहन की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखता है। उनकी यही सारी चीजें दर्शकों को इनका दीवाना बना गई थी। लेकिन अगर बात करें इस किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता के आज की, तो बता दें ये 30 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए शो में काफी साधारण और सिंपल अवतार में नजर आने वाले शिविन आज काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आते हैं, जो अपने इसी स्टाइल और डैशिंग अंदाज के चलते लड़कियों के काफी ज्यादा चहेते बन गए हैं। बात करें इनकी जिंदगी की, तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और आज भी अपने लाइफ में सिंगल हैं। बता दें आज ये मुंबई में अपने करियर को एक्टिव रखे हुए हैं, जिन्हें आखिरी बार बेहद 2 में देखा गया। नंबर 5, दिगंगना सूर्यवंशी। इस लिस्ट में भले ही दिगंगना सूर्यवंशी आखिरी नंबर पर आती हो, पर शो को इतना ज्यादा हिट बनाने वाली अगर कोई अदाकारा है, तो वो है दिगंगना सूर्यवंशी, जिन्हें सीरियल में रणविजय की बहन और बलदेव सिंह की पत्नी के किरदार में देखा गया, जिसे इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग इनके दीवाने हो गए। बात करें इस अभिनेत्री की आज की, तो बता दें शो में सूट सलवार और सादगी भरे अवतार में नजर आने वाली दिगंगना आज इतनी स्टाइलिश हो गई हैं कि शायद ही पहली नजर में देखने में कोई इसे पहचान पाए। आज इन्होंने अपने लुक को पूरी तरह से बदल दिया है। बता दें वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है, जो रंगीला बाबू, सीटी मार और हिप्पी जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किसका बदला हुआ अवतार देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।